उज्जैन में मिर्ची में मिलावट करने वाली फैक्ट्री सरकार ने जमींदोज कर दी है। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही फैक्ट्री से 5 दिन पहले ही सैंपल लिए गए थे। 5 दिन पहले खाद्य विभाग के अधिकारियों ने गढ़कालिका मंदिर के पीछे सिंहस्थ क्षेत्र में चल रही मिर्ची की फैक्ट्री पर छापा मारकर यहां से लाल मिर्ची के 5 सैंपल लिए और जांच के लिए भोपाल भेजे थे। फैक्ट्री सील करने के बाद चाबी उसके मालिक को सौंपी गई थी। जब्त सैंपल में मिलावट पाए जाने के बाद सुबह SDM तहसीलदार ने पुलिस व नगर निगम की टीम के साथ यहाँ पहुंचकर मिलावटखोर की फैक्ट्री को जमींदोज करवा दिया। मिलावटखोर महेश पोरवाल की फैक्ट्री पर कार्यवाही रुकवाने के लिए पूर्व भाजपा पार्षद के पति सहित अन्य नेता पहुंचे। अधिकारियों से चर्चा की लेकिन अधिकारियों ने नियमानुसार कार्यवाही की बात कहकर उन्हें यहां से चलता कर दिया। करीब 30 मिनट तक विद्युत कनेक्शन काटने और सामान बाहर निकालने की मशक्कत के बाद एक साथ 2 JCB से फैक्ट्री को तोड़ने की कार्यवाही शुरू हुई। एक साथ 2 JCB चलने से कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री की दीवारें धड़ाधड़ गिरने लगी। SDM RM त्रिपाठी ने बताया कि 21 नवंबर को खाद्य विभाग द्वारा गढ़कालिका मंदिर के पीछे स्थित मसाला फैक्ट्री पर छापा मारा गया था। यहां से विभाग के अधिकारियों ने लाल मिर्ची पाउडर के 5 सैंपल लिए जिसकी जांच के लिए उन्हें भोपाल भेजे गए थे। कल उक्त सैंपल की जांच रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई जिसमें 2 सैंपल की रिपोर्ट अमानक स्तर की थी और 2 की रिपोर्ट सेवन के लिए असुरक्षित थी। लाल मिर्च पाउडर में मिलावट का खुलासा होने के बाद फैक्ट्री को तोड़ने की कार्यवाही पुलिस व नगर निगम की टीम के साथ की जा रही है। गढ़कालिका मंदिर के पीछे काल भैरव की ओर जाने वाले मार्ग पर ग्राम भीतरी सर्वे क्रमांक 379 की जमीन राम प्रसाद के नाम से शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है। राम प्रसाद ने उक्त जमीन महेश पोरवाल नामक व्यक्ति को अनुबंध के आधार पर वर्ष 2019 में दी थी। महेश पोरवाल ने उक्त जमीन पर मसाला फैक्ट्री लगाई और मिलावटखोरी का कारोबार भी शुरू कर दिया। अवैध रूप से सिंहस्थ क्षेत्र में एक ये मिर्ची पिसाई की फैक्ट्री संचालित थी जिसके यानी जो नमूने राज्य प्रयोगशाला को भेजे गए थे तो 5 में से 4 नमूने इनके अमानक स्तर के पाए गए हैं, यानी जो जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसलिए इस अवैध फैक्ट्री को तोड़ा गया। फैक्ट्री का लाइसेंस एक महेश पोरवाल के नाम से थी। स्थल पर उसके द्वारा यानी ये जगह किराए पर लेकर के, जैसे कि मौके पे मकान मालिक उपस्थित था तो उसने ये बताया कि उसने अनुबंध कर रखा था इसके साथ, यानी अपनी जगह किराए पे दे रखी थी। सुबह SDM त्रिपाठी तहसीलदार अपने साथ CSP जीवाजीगंज AR नेगी TI मिश्र सहित नगर निगम की टीम के साथ फैक्ट्री पर पहुंचे जहां ताला लगा था। फैक्ट्री का ताला खुलवाकर महेश पोरवाल को सूचना दी गई। फैक्ट्री में लाल मिर्च की बोरियों के अलावा उसमें मिलावट किए जाने वाले बुरादा भी बड़ी मात्रा में भरा था जिसे नगर निगम की टीम ने बाहर निकाला। गढ़कालिका मंदिर के पीछे का इलाका सिंहस्थ क्षेत्र में आता है। सिंहस्थ क्षेत्र में शासन द्वारा पक्के व स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है, बावजूद इसके महेश पोरवाल ने सिंहस्थ क्षेत्र में पक्का निर्माण करने के साथ बिना अनुमति के मसाला फैक्ट्री भी लगाई थी। यह फैक्ट्री 1 वर्ष से अधिक समय से संचालित हो रही थी। यहां बड़ी मात्रा में मिलावट मिर्ची की पैकिंग भी होती थी। सुबह कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग एकत्रित हो गए।